जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल राठौड़ व्लॉग। तभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और फिर हमारे वीडियो को एंजॉय करें। गाइस, मैं हूं पाकिस्तानी हिंदू राहुल, तो भगवान श्री राम के लिए मुझे सपोर्ट करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुबह सुबह का वक्त है, मैं अपने खेतों की तरफ आया था कि मैं आपको पता शॉप पर काम करता हूँ, शॉप से मैं इधर अपने खेतों की तरफ मेरे पापा और मम्मा को मिलने के लिए आया था। तो यहाँ पर खेतों की वीडियो मैंने कहा बनाना चाहता हूँ, तो आप भाइयों को दिखाना चाहता हूँ खेती बाड़ी वगैरह किस तरीके की है। तो जल्दी से हमारे साथ बन रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दूंगा। ये देखते हैं गाइज, यह है नहर और ये इसके अंदर पानी है, यहाँ से खेतों में जाता है और ये इसके अंदर पानी है, यहाँ से खेतों में जाता है और आगे चल कर दिखाते हैं आपको। और गाइज ये जो है ना, ये पता क्या है, इसे है चावल, हरे भरे चावल है गाइज। ये कलर देख सकते हैं किस तरीके का खूबसूरत कलर है। और गाइस ये हरे भरे चावल है, इसको अभी यहाँ से तोड़ेंगे जो, और वो जो ज़मीन नज़र आ रही है ना आपको, खाली ज़मीन, उसमें बीजेंगे हम। ये इतनी खाली ज़मीन है, यहाँ से तोड़ कर वहाँ बीजेंगे। तो अभी आगे चलते हैं। ये गाइस देख सकते हैं, यह है सो बहुत ज़्यादा झट्टा, वो गाइस वहाँ से पानी उठाकर नहर के इधर डालता। अभी गाइस देख सकते हैं कि अभी नहर है फुल, ये देख सकते हैं, ये गाइस नहर है फुल, इधर भी फुल नहर। तो हमारे खेतों में जो पानी ना सुकून से चला जाता है, यानी कि इसको चलाने की लोड नहीं पड़ती, ये पानी सुकून से इसके खेतों के अंदर चला जाता है। ये नहर जो पीछे से आ रही है स्पेशल हमारी ज़मीन में आ रही है, पूरी नहर जो है स्पेशल आ रही है। तो यहाँ से पानी जाकर आधा जो इधर चला जाता है खेतों में और एक वाटर बना है, और आधा जो इधर चला जाता है। तो अभी जो नहर है वो फुल है, इसकी वजह से जो है ना पानी बिल्कुल हमारे खेतों का सन लग रहा है। और ये गाइस झट्टा जो पता क्यों रखा गया यहाँ पर, ये झट्टा इसलिए रखा गया है कि कभी जो ये नहर जो नीचे चली जाए तो हम यहाँ से ट्रैक्टर ना इधर से ट्रैक्टर ले आकर यहाँ पर, और यहाँ से इसको ट्रैक्टर लगा कर इसकी शाफट में, ये देख सकते हैं मैं आपको छत में लगा, यहाँ पर ट्रैक्टर की लगती है शाफट। तो यहाँ पर शाफट लगा कर हम इसको चला कर अपने खेत भर सकते हैं, यानी कि जब नहर खाली हो, जब नीचे चली जाए, यानी कि जब पानी ना हो। तो इसके अंदर पानी बहुत खड़ा होता है, जब पीछे से नहर बंद हो जाती है तो उसके अंदर पानी बहुत होता है। तो हम यहाँ से इसको उठाकर पानी अपने खेत जो भर लेते हैं। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर पढ़ लेंगे, अगर आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है हाकिम ज़री फार्म, हाकिम ज़री कसम वाला। तो गाइस ये मेरे पापा का नाम था जो यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वगैरह किसको आती नहीं थी और यहाँ पर ना ही हिंदी कोई पढ़ाता है हमें, तो मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे उर्दू आती है। आपने जो भी कमेंट करना है इंग्लिश में करना है, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है, और आप जितने भी कमेंट हो गए उसका सब कमेंट के जवाब दूंगा। तो आगे चलते हैं कि यह है गाइस कपास, और खेती देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत खेती है हमारी, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी खेती है। और इसके अंदर जो देख सकते हैं कि फल किस तरीके से लगा पड़ा है कपास में, और इतनी बड़ी कपास है देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर घास वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं कि वो अगर लगा हुआ है झट्टा, तो यहाँ से पानी देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके अंदर से जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ आ जाता है। और यह है गाइस यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर अभी हमने फट्टी लगाई हुई है, वो आपको दिख रही होगी, वो वाली फट्टी हमने लगाई है। ये फट्टी ऊपर करेंगे और पानी यहाँ झकास से जाएगा इधर, फिर हमारे खेतों के अंदर, और ये हमारे खेत है, इसके अंदर पानी बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। तो ये गाइस वाटर वगैरह, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ना हमारी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, और बस सपोर्ट करें क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। तो गाइस एक आपको सुबह सुबह का टाइम है, ये देख सकते हैं अभी सूरज जो ना अभी निकला है, ये देख सकते हैं गाइस,
और अभी शाम नहीं हुई, अभी सुबह सुबह का टाइम है। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें।